हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। दोस्तों, आज हम जीएसटी में एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ई वे बिल की। दोस्तों, रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल्स जो है वो गवर्न करते हैं ई वे बिल के प्रोविजंस को। यहां पर सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि ई वे बिल बनाना किसने है। वहां पर एक्सप्रेसली प्रोविजन है कि वो कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो भी कंसाइनर है, कंसाइनी है, ट्रांसपोर्टर है, जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से जो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स की, उसको ई वे बिल जनरेट करना है। और जनरेट होगा प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स, और जनरेट होगा अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, और वैल्यू डिटरमाइन होगी एज पर सेक्शन 15, जिसमें एक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स की बात हो रही है, प्लस उसमें टैक्सेस जोड़े जाएंगे। अगर एक्सीड करता है 50,000 रुपए से, तो आपको ई वे बिल बनाना है। इंटरस्टेट मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा एक बहुत ही कंफ्यूजन आता है, लोग पूछते हैं इंडस्ट्री में, ट्रेड में, कि भाई एक ऐसा कोई प्रोविजन है कि एक स्पेसिफिक किलोमीटर तक अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, दो ऐसे किलोमीटर्स, दो ऐसे डिस्टेंस प्रोवाइड किए गए हैं रूल 138 में। पहला है 50 किलोमीटर का। अब ये 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के रेफरेंस क्या है, वो कहते हैं रूल 138 में कि अगर आप गुड्स को प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर से प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर ले जा रहे हैं विद इन स्टेट, विद इन दिल्ली, विद इन हरियाणा, विद इन पंजाब, विद इन तमिलनाडु, विद इन स्टेट 50 किलोमीटर तक अगर गुड्स को ले जा रहे हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर, तो आपको ई वे बिल के पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए फिर भी आपने भरना है। पार्ट बी में जाता है ट्रांसपोर्टर डिटेल, आपको ट्रांसपोर्टर डिटेल भरने की जरूरत नहीं। कंसाइनर अपनी किसी भी व्हीकल में या किसी भी और तरीके से गुड्स को प्लेस ऑफ बिजनेस ट्रांसपोर्टर तक पहुंचा देगा, और ट्रांसपोर्टर वहां से उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देगा 50 किलोमीटर के अंदर। ई वे बिल पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो ऐसी लिमिट है जो प्रिस्क्राइब्ड है, वो है कि ई वे बिल अगर आप नहीं बनाना है, अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर से गुड्स को वे ब्रिज पर ले जा रहे हैं फॉर वेमेंट, भार करने के लिए, टोल करने के लिए ले जा रहे हैं विद इन 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू वे ब्रिज, इवन इफ दैट वे ब्रिज इज नॉट विद इन द स्टेट, इट कैन बी आउटसाइड द स्टेट ऑल्सो, नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। बट यस, डिलीवरी चालान जो कि प्रिस्क्राइब्ड है रूल 55 ऑफ सीजीएसटी रूल्स में, वो जरूर उन गुड्स के साथ हो सकता है, और उन गुड्स को वापस भी इसी तरीके से लाया जा सकता है 50 किलोमीटर वाले भी, फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी विद इन 50 किलोमीटर है, बिना पार्ट बी के लाया जा सकता है। अगर वेमेंट 20 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है, तो 20 किलोमीटर तक वापस भी लाया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर एग्जेम्प्ट गुड्स में अगर डील करते हैं, तो वैल्यू जो है उसमें आपको एग्जेम्प्ट गुड्स, अगर आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों गुड्स मूव कर रहे हैं, तो जो 50,000 रुपए की वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो एग्जेम्प्ट गुड्स को हटाकर करनी है। इसका मतलब एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा और स्पेसिफिक पॉइंट आज हमने अपनी वीडियो में उठाया है। मैं आशा करता हूं कि आपको इससे अपनी प्रैक्टिस में, अपने काम में, अपने ट्रेड में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।